तो दोस्तों सबसे पहले चार्ट पे चल के अपनी कुछ ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो आपके सामने है ये पहली ट्रेड आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो वन ट्रेड काफी अच्छी हमें लगभग 12-13 पिप्स की है। दूसरी ट्रेड अगर हम देखें, अब रो कंटिन्यू इन रो देखना, दूसरी ट्रेड भी हमने यहाँ पे विन करी। और हम अगर तीसरी ट्रेड देखो, और ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, यूरो यूएसडी का चार्ट देख रहे हैं, आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी देखो 3 ट्रेड इन अ रो हमने विन की, फोर्थ विन की सॉरी, और यहाँ पे देखिए 5 इन अ रो, 6, 7, 8 और ये 9 ट्रेड, 9th जो ट्रेड है ये एक्टिव है। कैसे हमने ये ट्रेड बनाई, कौन से इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन लिया, क्या है वो स्ट्रेटजी, इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक, 2 इंडिकेटर यूज करेंगे। सबसे पहले मैं सारी ड्रॉइंग रिमूव कर देता हूँ लाइव चार्ट पे, और मैं आप लोगों के सामने 2 इंडिकेटर इसमें लगाऊंगा, केवल 2 इंडिकेटर की आपको कन्फर्मेशन चाहिए होगी इसमें। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लिया क्योंकि इस स्ट्रेटजी से ट्रेड थोड़ी कम मिलती है, तो 3 मिनट पर हमें थोड़ा ज्यादा ट्रेड मिलेंगी, पिप्स कम मिलेंगे लेकिन ट्रेड आपको ज्यादा मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी प्रॉब्लम होती है ट्रेड में, उन्हें हर टाइम ट्रेड चाहिए, जल्दी जल्दी ट्रेड चाहिए, तो ये वो स्ट्रेटेजी है। प्रॉफिट भले ही थोड़ा मिले आपको, लेकिन आपको रैपिड ट्रेड मिलेंगी एक हाई विन रेट के साथ में। ठीक है, इंडिकेटर सेक्शन पे जब हम चलेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे हम सुपर ट्रेंड, नॉर्मल नहीं लगाना सुपर ट्रेंड। ये आप देख रहे हो पहले वाला जो 36,232 यूज करते हैं, ये वाला ये सुपर ट्रेंड को हम नहीं लगाएंगे। हम कौन से को लगाएंगे, सुपर ट्रेंड प्लस, ये इलेक्ट्रीफाइड का इंडिकेटर है, थैंक्स टू मिस्टर इलेक्ट्रीफाइड टू गिव अमेजिंग इंडिकेटर, इसको लाइक कर लीजिए, ओके कीजिएगा इस पे, तो ये इंडिकेटर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें ग्रीन और रेड बैंड के साथ साथ, एटीआर बैंड के साथ साथ आप देख सकते हो ये येलो भी दिखाई देगा। अब येलो क्या है, प्राइस तोड़ के नीचे आ गया था, रेड ये बन गया, ठीक है, लेकिन जब वापस टच करके नीचे आया तो वो येलो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ट्रेंड यहाँ से वीक हो सकता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। अभी पूरा समझेंगे इसको, हम चार्ट पर चल के सेकंड इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे CCI, ये है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ठीक, अब इसको कर लिया हमने ओके, लेकिन जब आप ओके करोगे तो आपको ये पूरी तरह से डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक, तो आपको इसमें कुछ सेटिंग की चेंज करने की पूरी आवश्यकता है। सबसे पहले इसकी सेटिंग पे जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद इनपुट आपका जो है आप टेस्ट कर लेना यही लगा हुआ है या चेंज है, नहीं तो टाइम फ्रेम हम एज अ चार्ट रखेंगे, जिस टाइम फ्रेम में भी चार्ट हमने लगाया हुआ वो हमारा डिफॉल्ट रखेंगे। चार्ट जो लेंथ है उसको 20 करेंगे, 20, एंड सोर्स HLC 3 रखेंगे हम इसमें, मेथड SM में सिंपल मूविंग एवरेज, और लेंथ जिसकी रहने वाली है 5। ठीक, बिल्कुल मेरी तरह आप इसकी स्टाइल सेटिंग भी चाहते हो तो आप यहाँ पे स्मूथिंग लाइन जो है ऑफ कर लेना, आपका कुछ इस तरह का दिखाई देगा, स्मूथिंग लाइन को ऑफ कर लेना, CCI पे टिक रखना, अपर बैंड पे, लोअर बैंड पे, मिडल बैंड आपका मिलेगा उसको अनटिक कर लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अपर बैंड पे जो हमें साइज रखना वो 100 रखना है। ठीक है, सेम नीचे -100 रखना है लोअर बैंड, ये बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी में कोई भी 19-20 का अंतर ना हो तो हमें अच्छी ट्रेड मिले। और अब हमें कर लेना ओके। ठीक, स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे हमारा सुपर ट्रेंड जो है इसने हमारा बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट करता है, वो अक्सर मैंने बाय सेल इसमें हटाए हुए हैं, ये आराम से पता लग जाता है हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारा CCI जो है हमारी रेड लाइन से ऊपर है, तो हम बाय के लिए नहीं जाएंगे और वेट करेंगे कि ये -100 से नीचे आ जाए, यानी ग्रीन लाइन से नीचे आ जाए। अब इस मौके पे आप देखो, ये यहाँ पे ग्रीन लाइन से नीचे आ गया। ठीक, और जैसे ये ऊपर जाएगा हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक, इस वाली कैंडल पे ये ऊपर गया, यहां से इस वाली कैंडल पे ऊपर गया, तो यहां हम इस कैंडल पे ट्रेड लेने वाले हैं। सीधी सीधी ये हमारी ट्रेड होगी, और नियरेस्ट स्विंग लो कौन सा है, बिल्कुल जस्ट इस कैंडल के नीचे, और हम जो है अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे पहले 1:1.5 लेंगे, और उसके बाद 1:2 ले लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सिंपल चीज, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो इसने जो है सेल का अपना सिग्नल जनरेट किया, हमारा ATR बैंड बिल्कुल रेड हो गया। ठीक है, लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो CCI है वो -100 से नीचे, तो हम वेट करेंगे किसी तरह एक बार फिर से ऊपर चला जाए। अब ये यहाँ पे ऊपर तो आ गया,
और वापस ऊपर होके जब नीचे आएगा ये इस लाइन के, रेड लाइन के जैसे ही नीचे आएगा हम अपनी ट्रेड लेने वाले हैं। चलिए ट्रेड ले लेते हैं, शॉर्ट की ट्रेड ले बनेगी इसमें, तो हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे नीचे आया, इस वाली रेड कैंडल पे बना, और स्टॉप लॉस हम अपना कहाँ रखने वाले हैं, देखो जो हमारा एटीआर बैंड है ना प्राइस, उसके बिल्कुल पास में, तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रख लो। तो यहाँ पे देखो 2.36 की हमें ट्रेड मिली। सबसे पहला हम 1:1.5 उठाएंगे, और उसके बाद 1:2 और 1:2.5, 1:3, और हम वहां तक अगर इसको ट्रेल करके चले अपने स्टॉप लॉस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1:4 के आसपास की हमें ट्रेड आराम से मिल गई। तो अगर हम 0.5 से भी ट्रेल करते तो 1:3.5 की ट्रेड हमारे पास ये बहुत आराम से बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे चेंज हुआ, ये यहाँ पे येलो हो गया, तो येलो जब जैसी हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, हमने अच्छा ये स्पेसिफिक इंडिकेटर क्यों लिया, अब देखो क्यों लिया, कायदे से जब ये ग्रीन है तो जाहिर सी बात है हम लॉन्ग की ट्रेड फाइंड करेंगे, जैसे ये यहाँ पे ऊपर आया तो हमारी क्या बननी थी, लॉन्ग की ट्रेड। बट हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना रेड हुआ ना ग्रीन हुआ, ये येलो हो गया, इसको छू दिया इसने, तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले। जब छू देगा इसका मतलब है कि ट्रेंड आपका वीक पड़ गया, लाइन को एक बार उसने टच कर दिया, अब ट्रेड से थोड़ा सा बाहर रहने की कोशिश करो। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब आगे चलेंगे, कुछ और ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गिरा, लेकिन सीसीआई देखो कहीं भी हमारा ऊपर नहीं था, तो हमने शॉर्ट की ट्रेड, कोई ट्रेड हमने शॉर्ट की नहीं ली। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ फाइंड करेंगे ट्रेड। ठीक है, ये देखो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, बाय सिग्नल हमारा जनरेट हो गया। वेट किसकी करेंगे, सीसीआई इंडेक्स बिल्कुल नीचे आ जाए, यहाँ पे नीचे आ गया, वापस ऊपर कहाँ गया, इस वाली कैंडल पे। ठीक है, इस वाली कैंडल पे जैसे ही वापस चैनल पे आया तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, ट्रेड बनेगी। कौन सी ट्रेड पे जाने वाले हैं, बाय ट्रेड पे जाने वाले हैं, इस वाली कैंडल पे यहाँ पे। और ये कोई इंडिकेटर लैगिंग नहीं है, ये इनमें से कोई इंडिकेटर लैगिंग नहीं है, बहुत अच्छा काम करेंगे आपकी मार्केट पे। तो यहाँ पे देखो आप 1:2.56 तक का टारगेट हिट है, तो अगर हम 0.5 से ट्रेल कर रहे हैं तो 1:2 का हमें बहुत आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे इस ट्रेड ने दिया। ठीक है, चलिए और ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनी, कोई ट्रेड नहीं बनी, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनी, यहाँ पे एक ट्रेड बनी। चलो देखो ये यहाँ से सेल में आ रहा है लगातार, लेकिन हमारा सीसीआई इंडेक्स एक बार भी +100 के ऊपर नहीं गया, तो हम सेल वेट करेंगे कि एक बार +100 के ऊपर जाए। यहाँ पे एक हमारी ट्रेड बनी, रिस्की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे येलो हो गया, ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन रिस्की ट्रेड है, लेने को आप ले सकते हो। अगर आप लेते तो जाहिर सी बात है टारगेट भी हमारा यहाँ पे साफ साफ हिट दिख रहा है। अगर आपको फास्ट रैपिड इन चीजों से कोई वो परहेज नहीं है कि ठीक है मुझे रैपिड ट्रेड लेनी, थोड़ा मोटा रिस्क मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, तो देखो हल्का सा यहाँ पे टच किया इसने ऊपर और वापस नीचे आ गया इस वाली कैंडल पे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा जो इसने स्विंग हाई लगाया था उसके ऊपर रख के, और आराम से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ तक देखो आप 2.67 तक गया। 0.5 से ट्रेल करते तो 1:2 का कहाँ तक हमारा हिट होता हो जाता, हमारा हिट यहाँ तक का 1:2 का बहुत आराम से होने वाला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, इस इंडिकेटर की और इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी और खास बात बताऊँ क्या है। खास बात ये है इसमें कि आपको ये बेकार ट्रेड बिल्कुल नहीं देगा। अब यहाँ पे देखो, अगर सुपर ट्रेंड के हिसाब से चलते, यहाँ से बाय करते हो यहाँ हिट हो गया, यहाँ पे सेल पे चलते हो यहाँ हिट हो गया स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पे हम इसने हमारे इसने कहीं कंफर्मेशन दी नहीं कि आप लॉन्ग के लिए जाओ या शॉर्ट के लिए जाओ, कोई कंफर्मेशन नहीं दी यहाँ पे। ठीक, तो सीसीआई बहुत अच्छा इंडिकेटर है इस चीज को फिल्टर करने के लिए। सीधी सी साफ लफ्जों में बात यह है, सुपर ट्रेंड हुआ, ट्रेंड के हिसाब से हमें जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि हमें लॉन्ग के लिए जाना शॉर्ट के लिए जाना, लेकिन किस टाइम जाना उसके लिए हमारा सीसीआई। जब मार्केट में ट्रेंड बुलिश चल रहा और सीसीआई -100 के नीचे आकर वापस ऊपर आए, तो इसका मतलब अब फ्लो है मार्केट में, मनी वॉल्यूम फ्लो आ रहा है किसकी तरफ, ट्रेंड की तरफ। ट्रेंड आपका कौन बताएगा, सुपर ट्रेंड, बाय में जाना सेल में। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है ये, हर स्ट्रेटेजी का एक मायना होता है। किसी ने बता दिया ये इंडिकेटर लगा लो, लेकिन आपको उस इंडिकेटर का काम नहीं पता, तो आपका जो है पोर्टफोलियो जाहिर तौर पर खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो इसमें आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आप प्ले लिस्ट में यहाँ पे जा सकते हो, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सारा हमारी ये सारी वीडियो देख सकते हो। बहुत अच्छी इसमें स्ट्रेटजी बताई जा रही है, और आपको $100 विन करने का मौका भी मिलेगा उसमें।
हम रोज एक क्वेश्चन पूछते हैं अपनी इन वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि भाई इस वीडियो में मैंने जो ये बताया था इसकी डेफिनेशन दो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो सजेशन दे सकते हैं, उसका जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो जिसने 10 वीडियो तक लगातार दी और उनमें से एक बंदे को जो है $100 का ट्रेडिंग बोनस मिलेगा, या इन कैश ले सकते हैं जैसी उसकी इच्छा ऐसे ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही है आपको मुझे पता, अगर अभी तक आप इस वीडियो में हो तो आपको कुछ चीज ऐसी समझ में आ रही है जो आपके काम की हो सकती है। नेक्स्ट ट्रेड सेटअप देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे देखो हमारा जो ट्रेंड है बिल्कुल क्या है। अब आप रिपीट करना थोड़ा थोड़ा, मन में सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, ट्रेड टाइम पे पॉपअप देगा आपको। हमारा जो ट्रेंड है ग्रीन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ट्रेड कौन सी लेंगे, ऊपर की लेंगे, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले वेट करेंगे कि हमारा जो CCI है वो -100 लाइन के नीचे आ जाए, जो यहाँ पे आ गया, और जैसे ही यहाँ पे ऊपर गया तो कौन सी ट्रेड लेंगे, बाई की ट्रेड लेंगे। कौन सी कैंडल पे लेंगे, इस कैंडल पे लेंगे, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इस वाली कैंडल पे कौन सी ट्रेड ली, बाई की ट्रेड ली। स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखो, या थोड़ा सा यहाँ का आप देख रहे हो ये यहाँ तक का, तो इसके यहाँ यहाँ पे भी आप ला के रख सकते हो स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना के उठी है ये, ठीक। तो यहाँ तक भी देखो आप 1:7, 7:6 के आसपास की जो है हमारी ट्रेड हमें बहुत आराम से मिली, यानी 1:1.5 का हमें आराम से टारगेट हिट होता। अब अगेन एक ट्रेड बन रही है यहाँ पे, शायद उसका स्टॉप लॉस भी जा सकता है और वो हिट भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इस वाले ट्रेंड में हमने एक ट्रेड ऑलरेडी विन कर लिया है। यहाँ पे देखो CCI नीचे आया और यहाँ से उठा, इस वाली कैंडल पे उठा, तो हमारी ये जो ट्रेड है यहाँ पे उठा ये, और ये जो हमारी ट्रेड है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के 1:1.5 का हम सबसे पहली बार देखेंगे अपना जो भी होगा, ये जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमने ट्रेड विन करी है या ट्रेड हमने लॉस करी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमने सबसे पहली ट्रेड ली थी ये आया था नीचे, उससे पहले कुछ थोड़े से और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गया, इन वाले मार्केटों में देखो यहाँ पे कहीं कंफर्मेशन मिलेगी नहीं आपको, चोपी मार्केट में ये ट्रेड ही नहीं देगा, वो सबसे अच्छी बात है। बस आप अपने हाथ को, इमोशन को कंट्रोल रखना, ऐसे कहीं पे भी ट्रेड मत पकड़ लेना, ठीक। यहाँ पे देखिए सिग्नल जो है हमारा ग्रीन हुआ, और वेट करेंगे CCI को नीचे आ जाने की। यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे हमारी बनेगी एक ट्रेड, यहाँ पे इस वाली अगली ही कैंडल में ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम जो है एक बाय सेल बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, जस्ट इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो हमारा टारगेट है कहाँ तक गया ये, हम इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे 0.5 से, और यहाँ पे आप देख सकते हो 4, ठीक है, 1:4 का इसने जो है यहाँ पे हमें टारगेट दिया, यानी 1:3.5 जो है हमारा हिट हो जाना था, ठीक। यहाँ पे भी हमें अच्छा टारगेट मिला, यहाँ पे देखो हमें कितना बड़ा टारगेट मिला जस्ट इससे पहले। यहाँ पे बाय ट्रेंड आया हमारा CCI इंडेक्स में, CCI -100 से नीचे यहाँ पे आया और इस वाली कैंडल पे ऊपर गया, इस वाली कैंडल पे ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट ATR बैंड के नीचे रख के, और हम अपना ट्रेल करते हुए अगर यहाँ तक जाते हैं 1:2.91, यानी कि अगर हम 0.5 से ट्रेल करते हैं तो 1:2.5 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट बहुत आराम से उठाने को मिला। सेम चीज यहाँ पे भी हुई, आप देख सकते हैं ये हमारा सेल ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे सेल ट्रेंड के बाद पहली बार जो हमारा CCI है वो ओवर 100 गया, ओवर 100 से जैसे ही नीचे की तरफ आया इस कैंडल पे, तो यहाँ पे हमें हमारी ट्रेड लेनी बनती है। ये हमने यहाँ पे ले ली ट्रेड, और हमने जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखा, और सीधी सीधी हमारी ट्रेड गई यहाँ पे। तो ये लगातार ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस शायद ही किसी ट्रेड का अभी तक हमारा नहीं गया है, ठीक है, कोई किसी भी ट्रेड का अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, या तो हमारी इस स्ट्रेटेजी ने ट्रेड दी ही नहीं, चोपी मार्केट में बिल्कुल मार्केट से बाहर रहने के लिए बोल दिया, और जहां पे ट्रेड दी उसका टारगेट हिट हुआ। देख सकते हैं आपके सामने मैंने 10 से 12 ट्रेड लिया, और इस स्ट्रेटेजी का विन रेट 75% के प्लस बहुत आराम से जाएगा, संयम से काम लेना है। ऐसा भी नहीं कि आप, असल में क्या करते हैं लोग, अगर उन्हें अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जा वो पहले एक दिन टेस्ट करेंगे, उस दिन पैसा बनाते हैं, अगले दिन ही वो पैसा क्यों खोते हैं, क्यों खोएंगे वो, अगले ही दिन 50 चार्ट यहाँ पे ऊपर खोल के रख लेंगे, ठीक है, सभी में ट्रेड आई वो सभी लेकर बैठ गए। लेकिन मार्केट है जो है वो मोस्टली DXY का अपोजिट चलता है डॉलर का, अगर डॉलर ने एक बार अपनी चाल बदल ली तो पूरा मार्केट पलट जाना, तो जहां आपका एक ट्रेड का स्टॉप लॉस जाना था वहां आपकी 20 ट्रेड का एक साथ स्टॉप लॉस जाएगा, और एकदम पोर्टफोलियो का
डाउनफॉल होगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, एक या दो चार्ट जिसमें बड़ा वॉल्यूम हो, यूरो यूएसडी हुआ, जीबीपी यूएसडी हुआ, यूएसडी जेपीवाई हुआ, गोल्ड हुआ, इन पे लेके रखो बस, ठीक, मैक्सिमम। और अपने जो लॉट साइज है वो हमेशा अंडर रिस्क कंट्रोल रखो, $100 के पोर्टफोलियो पे 0.01 से जाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, बड़ा आदमी बन जाओगे, लेकिन पहले दिन बड़ी लॉट लेके जल्दी रईस बनने की सोचोगे तो कर्जदार बन जाओगे। ये मार्केट की नियम है, ये मार्केट का नेचर है, ये मार्केट की। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फोरेक्स की अगर आपको कॉल चाहिए और गोल्ड की कॉल चाहिए, क्रिप्टो की कॉल चाहिए, वो सभी आपको वहां पे मिलने वाली है। ट्रेडिंग रिलेटेड अच्छी अपडेट भी वहां पे मिलने वाली है। तो सब भी एकदम सबसे पहला काम आपका ये है, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बटन दबाओ, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, और सीधा जाकर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ। वहां मैं और मेरी टीम 24/7 आप लोगों की सेवा में हाजिर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।